गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल डेयरी व्लॉग्स बाय अंकित में। हमें आपके मित्र अंकित पाठक। आज का व्लॉग हम यहीं से शुरुआत करें। ये देखो यहाँ पबजी के बड़े बड़े प्लेयर, बड़े बड़े प्लेयर पबजी के हैं। अच्छा फ्री फायर वाले हो ना तुम? ये तू भी फ्री फायर भाई साहब, कुछ बड़ा करेंगे बच्चे। ये देखो दुकान से पांडे जी गायब हैं। ये आलोप है दुकान में, चोरी कर ले जानी पड़ेगी मेरी दुकान। क्यों के बाद कहाँ बह रहे तुम्हें दौड़ हैं? दुकान छोड़ बे, बहुत दूर जा रहे हो महाराज, बहुत दूर। अब आपने नेपाल तो नहीं पहुंच गए थे तुम? अब पांडे जी का गांव नेपाल में है बल? अच्छा दाई कौन ठहरी? अच्छा भाई दाई हो गया। क्यूटी भाई, क्यूटी भाई, क्यूटी भाई, कैसा है हमारा क्यूटी भाई? क्यूटी भाई को आज फिर बात के रख रखा। और जानते हो क्यूटी भाई को क्यों बाधा है? क्यूटी भाई को इसलिए बाधा है, ए ती तरह से देख रहा, क्योंकि मम्मी ने आज फिर गेहूं डाल रखे हैं। और लास्ट टाइम तो इसने जैसा करा था, आप सबको पता है, मम्मी वाले चैनल में आपने देखा होगा, लता पाठक व्लॉग से करके जो मम्मी का चैनल है उस पर बेलजी ने कैसा करा था। मम्मी ने गेहूं सुखाने डाले थे, बेलजी उनमें कूदने लग गया था थोड़ी देर बाद। तो इसलिए जब हम गेहूं वेहूँ डालते हैं तो बेलजी भैया को ऐसे बात देते हैं। भाई साहब मजे से बधे हैं, अभी कोई शरारत नहीं होगी। इनका जो एरिया है ना, क्राइटेरिया इतना है, इनकी जो सीमा हो गई इतनी बद गई, उससे ज्यादा नहीं फुद के गा दी। अंदर दिखाता हूँ अंदर मम्मी क्या बना रही। सॉरी, यहाँ मम्मी के बन रहे हैं पनीर के पराठे। ये मम्मी के पनीर के पराठों का मसाला, ये पनीर के पराठे रख रखी मम्मी ने। चटनी टमाटर की, हाथ जला टमाटर तो छोड़ दे, तू मैं बना दूंगा उसको। अरे छिल देती अब, मैंने कहा तू देर में आएगा। देर में क्या, मैं ब्लॉग की शुरुआत कर रहा था ना बाहर, वो टमाटर ठंडे पे ठंडे में। मैं यहीं आ रहा था, मैंने कहा थोड़ा सा चटनी बनाऊंगा तो वीडियो बनाऊंगा। क्या कह रही? अरे ठंडे जाते कि छिलने में दिक्कत आती है ना। तो कोई नहीं, छिकल सही थी डाल देती, क्या फर्क पड़ रहा है। इसमें अमचूर पाउडर डाल लेना थोड़ा खट्टा करने के लिए। हाँ अच्छा, खट्टा नहीं हो गए? ना कम होंगे खट्टा ना। थोड़ा अमचूर पाउडर डाल ले इसमें। ओके, ये नींबू का रस? हाँ नींबू का रस डाल ले, नींबू का रस से तो अमचूर पाउडर डाल ले इसमें, थोड़ा ज्यादा बनी हो जाएगी ना। कहाँ है अमचूर पाउडर? ये वाला? ये तो मैंने काली मिर्ची समझी है। वाह, दिन चाय में तो नहीं डाला, मुझे खुद नहीं पता यार। काली मिर्च ये है क्या, तुझे इतना नहीं पता? मुझे क्या पता, ऐसा हो ना वैसे। उधर डब्बे में गरम मसाला पीस के रखा था, जो लाना था बनाना भूल जाती है। अच्छा हो मैंने ना डाला हो कभी। ये कितना डालू मैं अमचूर? इतना? हाँ। ये घर में बनाया तूने? हाँ। इतना? तो ये मम्मी का होममेड अमचूर पाउडर है, क्योंकि अमचूर को धो भी लिए थे ना मैंने खराब ना हो करके। चलो अब इसको पीस देता हूं। अमचूर लेने लेने क्या है, अमचूर का मौसम आ रहा है। अच्छा आम भी तो आने चाहिए, मौसम से क्या करते हो? हाँ आम भी तो नहीं आते, तो ये तो उस साल कोरोना के चक्कर में गई थी तब बनाया था। हाँ 2 साल पहले के थे वो। क्या कह रही? बुआ को भी दे दिए थे ना उस समय। अच्छा अमचूर काफी बनाए थे उस साल। तो भाई साहब हमने चटनी निकाल दी, लामा परांठे डाल दे। जले जले मुझे दे दी है मम्मी। हाँ जला सब्जी, वो सीखे हैं। सीखे हुए हैं जो भी हो। तो चलो भाई साहब आलू के परांठे खाए जाएं। अरे गलती से मुंह से निकल गई, मतलब पनीर के पराठे बना रखे मम्मी ने। तो चलो भाई साहब पनीर के पराठे खाते हैं, आगे दिखा। अरे नहीं कर रहे अपमान, तो चलो आगे दिखाते हैं फिर आपको खाने के बाद। दोस्तों एक मूवी लगी है, मूवी आ रखी जिसका नाम है द कश्मीर फाइल, एंड सब लोग बड़ा तारीफ कर रहे हैं उस मूवी की। मतलब वो मूवी नहीं है, वो रियलिटी है जैसा लोगों ने बोला है, और इसलिए मेरा उसको बहुत ज़्यादा देखने का मन है। और सिर्फ मेरा ही नहीं, मुझे तो लगता है कि आप सभी को देखना चाहिए। देखिए कई बार ऐसा होता है जो हम लोगों के साथ जो घटना घटी होती है, उसको जब दूसरा बंदा कुछ बनाता है उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री या फिल्म बनाता है, तो जब हम ही उससे खुश नहीं होते, हमको पता है कि हमारी कहानी के साथ हमारे जो जीवन में बीता उसके साथ मिलावट कर दी गई, तो हम लोगों के अंदर खुद आक्रोश आता है। इससे पहले कश्मीर के ऊपर फिल्म बनाई थी शिकारा, उसमें कश्मीरी लोगों ने इतना खुल के विरोध करा था। इवन जब उसका प्रीमियर था तो एक महिला, एक लड़की उसमें चीख चीख के रो रही थी और उसके डायरेक्टर प्रोड्यूसर को गाली कर रही थी कि तुमने ऐसा कैसे बना दिया, हमारी कहानी नहीं दिखाई। उसके उलट ये जो ये वाली फिल्म है द कश्मीर फाइल्स, इसमें कश्मीरी बंदे मतलब जितने थे सारे के सारे रो रहे, और मतलब वो रियलिटी देख के रो रहे थे। और जिस जिस व्यक्ति ने फिल्म देखी, उनके मैंने रिव्यू देखे टीवी में, मतलब यूट्यूब में, आप खुद उस पर चेकआउट कर सकते हैं। मतलब लोगों के इतने इमोशन से निकले, लोग कह रहे कि हमको ये सब बताया ही नहीं गया कि कश्मीर में ये हुआ नहीं। क्यों? क्योंकि उनको तो
हिटलर के बारे में बताना था उनको, तो हुमायूं बाबर को बताने से फुर्सत मिल जाए, तब तो बताते ना भारत का इतिहास। वो लोग कभी 1947 का नहीं बताते, ये भी तो हमारा इतिहास है ना। हमको क्या अधिकार नहीं है जानने का कि हमारे देश में हमारे अपने जो यहाँ के मूल निवासी उन लोगों के साथ क्या क्या प्रथा, क्या क्या घटनाएं हुई, क्या क्या दुर्घटनाएं हुई। और इसको विस्थापन नहीं बोलना चाहिए, इसको नरसंहार बोलना चाहिए। कई लोग तो इसको बोलते हैं ना कश्मीरी पंडितों का विस्थापन। विस्थापन कोई खुशी से या भुखमरी या रोजगारी की वजह से नहीं हुआ विस्थापन, विस्थापन नहीं, उनको मार के भगाया गया, उनका नरसंहार करा गया। कितने हजारों कश्मीरी पंडित मारे गए और कितने लाखों बेघर हुए। और अभी भी वो, एक और बात, ये वो देश है ना जहाँ रोहिंग्याओं के लिए, पाकिस्तान से आने वालों के लिए, अफगानिस्तान से आने वालों के लिए लोग धरने देते हैं CAA के नाम पे, हाँ 6-6, 7-7 महीने के धरने देते हैं, उसके बाद हिंदू मुस्लिम दंगे करवा देते हैं सिर्फ उनके लिए। और भारत के ही निवासी, भारत देश के ही निवासी को उन्हीं की जमीन से मार के काट के भगाया जाता है, और उसके बाद भी जब उनके बारे में कोई बोलने लगता है तो बोलते हैं कम्युनल हो गया, हिंदू मुस्लिम कर रहा, मतलब हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है। हमारा देश, हमारी जमीन, हमारी संस्कृति, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। हमें मारो, काटो, भगाओ, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ बना लिए जाते हैं, खसम बना लिए जाते हैं रोहिंग्या बांग्लादेशी, ये रियलिटी है। रोहिंग्या बांग्लादेशी इतने ठाट से यहाँ रहते हैं और कश्मीरी पंडित कैंपों में रहने को मजबूर हैं। मतलब वो लोग ऐसे रहते हैं जैसे किसी दूसरे देश के हैं, शरणार्थियों के रूप में रहते हैं। बड़े शर्म की बात है, बड़े ही शर्म की बात है। और शायद ये शर्म हर उस व्यक्ति की आंखों में आपको नजर आएगी जब आप वो फिल्म देख के निकलोगे, बाकी व्यक्तियों को देखोगे उनकी आंखों में शर्म नजर आएगी कि हम लोग कहाँ सोए रहे, मतलब उसकी जवाबदेही कौन देगा। तो मैंने अभी फिल्म नहीं देखी, मैं फिल्म देखने कल को जाऊँगा, तो क्योंकि कल ही रिलीज हुई थी वो, आज शनिवार का दिन है, मैं रविवार के दिन जाऊँगा। तो आशा है कि आप सब लोग भी जाएंगे, जरूर जाइएगा, और अपने साथ अपने मित्रों को भी ले जाइएगा ताकि सबकी आँख खुले, क्योंकि किताबों में पढ़ाया नहीं जाएगा आपको। किताबों में आपको जो इतिहास की किताबें उस पर अकबर, बाबर, हुमायूं और औरंगजेब, इनसे अगर फुर्सत मिल जाए ना तो ही शायद आपको कुछ बताया जाए, वरना यहाँ फिल्में बनती हैं। यहाँ फिल्में क्या बनती हैं, जैसे बाजीराव मस्तानी वगैरह बनाते हैं, लेकिन मेन उस पर जो लड़ाई का कारण होता है वो तो सब लोग छुपा देते हैं। क्यों? क्योंकि इनको एकता दिखानी है। हमारे ऊपर अत्याचार हुए किस चीज़ के कारण हुए? हमारे ऊपर अत्याचार कभी जमीन लेने के लिए नहीं हुए, सिर्फ इसलिए हुए कि हम हिंदू हैं। ये बात कोई भी डायरेक्टर प्रोड्यूसर फिल्म में बना दिखाता ही नहीं है, लेकिन पहली बार किसी ने इतनी हिम्मत करी तो उसको अप्रिशिएट करो, फिल्म को सुपर डुपर हिट बनाओ, आप सब लोग भी जाइए। धन्यवाद भाई साहब, हमने खाना वाना तो खा लिया, लेकिन अरे क्या छुट्टी तुझे मेरे निकलती आ जाता है। तो अभी तुम्हारे भाई को जाना है नमक लेने, नमक खत्म हो गया ना तो नमक लेकर आते हैं। हमने तो खा लिया, और मम्मी क्योंकि प्याज व्याज वाला खा, क्या है वैल्यू बच्चा, मम्मी प्याज व्याज वाला खाती नहीं है, तो मम्मी को अपने लिए अलग से बनाना है। अरे 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 बेटा अंदर ही रहो, अभी तुम बाहर ही थे ना, अंदर रहो। कल जी नमस्कार भैया, एक नमक का पैकेट दे दो। अभी कितने का बोला आपने? 22 हैं? धन्यवाद। आज गर्मी बहुत आ रही है, हालत ही खराब हुई। अभी नमक लेकर मैं थोड़ा सा घूम के आता हूँ, क्योंकि मेरा मित्र आ रखा, पहले उससे निकलूँ उसके बाद घर में लेकर आऊँगा। चलो भाई साहब घर दरवाजा भी नहीं खुलता। ओहो क्यूटी क्यूटी, मेरे स्वागत के लिए खड़ा था। ओहो कब से खड़ा था बैल जी तू यहाँ पे? तब से यही बेचारा, तेरे गेहूँ ही साफ नहीं हो रखे अभी, 2 दिन लगा दिए मम्मी ने पूरे। ओहो क्यूटी भाई शिव, अरे तब से बाहर ही बैठा था मेरा क्यूटी। ओहो चलो भाई साहब नमक ले आए हम, टाटा संपन्न जिसका दाना दाना एक समान। ओके तो आंटी लोग मम्मी लोग सब तैयार हो रहे राधा बुआ के घर जाने के लिए, है बैल जी को भी ले चले मैं बात देंगे वहाँ ना यार। हाँ ये भी है, हाँ कम से कम चौकीदारी तो करेगा, खाना खा रखा बेटा, चौकीदारी करनी पड़ेगी। हटो अब हम जा रहे हैं राधा बुआ के घर पर। अरे भाई साहब घर में रहेंगे ना चौकीदारी? नो 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 नो, आप घर ही में रहोगे, घर ही में रहना है तुझे। देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप धूप कितनी हो रही, मतलब समझ में आ रहा है कुछ? ऐसी धूप में दो ही तरह के लोग घूम सकते हैं, एक तो जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो मतलब पागल मेंटली डिस्टर्ब लोग, और दूसरे हम जैसे, वी आर ऑल्सो काइंड ऑफ सेम, मतलब हम भी उन्हीं की कैटेगरी में आ रहे हैं। इतनी दिन दोपहरी में चल रहे भाई साहब, और इतनी चटक धूप लग रखी ना, हालत ही खराब लग रखी।
अभी थोड़ी शूटिंग करने जाना है राधापुरा के यहाँ, फिर शाम को प्रिया ने ट्यूशन पढ़ाना होता है बच्चों को, तो इस वजह से हमको शाम को टाइम मिलता है। पूरी दुनिया आराम करती है दिन में और हम 1:30 बजे 2 बजे ऐसे शूटिंग करने के लिए निकल जाते हैं। दूर दूर तक हरियाली हरियाली और इस पर चटकती हुई धूप, आए हाय मनमोहक दृश्य है। कुछ ही टाइम बाद ये सारे गेहूं ने पक जाना है और भाई साहब उसके बाद इतना मनहूस मौसम शुरू हो जाएगा ना गेहूं की कटाई के बाद कि पूछो ही मत भाई साहब। मार्च का महीना आता है ना, तो मार्च का महीना बहुत गंदा इसलिए लगता है, सॉरी मार्च के बाद अप्रैल का महीना, चैत का महीना, तो उसमें क्या होता है ना ये गेहूं कटते हैं, उसके बाद जब मशीन में इनके गेहूं अलग करे जाते हैं ना पेड़ से, तो बहुत सारी धूल उड़ती है, सर्दी जुकाम भी बहुत हो जाता है, प्लस उस समय लू इतनी गंदी चलती है ना भाई साहब, बहुत गंदा मौसम आने वाला है भाई। अभी देख लो 2-4 दिन की हरियाली बची है, ज़्यादा से ज़्यादा 10 या 12 दिन की, उसके बाद तो ऑलमोस्ट पक ही जाएंगे ये, फिर कटाई शुरू हो जाएगी और नवरात्रि आते आते भाई साहब गंदा वाला मौसम, एकदम गंद वाला मौसम जिसको बोलते हैं वो आने वाला है। और फाइनली बुआ के घर भी पहुँच गया ऐसी तड़कती भड़कती धूप में। हाँ फिर मैंने नहीं पहुँचना था, तू बड़ी स्पीड में आया, क्यों तू एरोप्लेन में आई थी क्या? नहीं तो फिर क्या कर रहे होगा? हाँ उसका ही जो बड़ा भारी भरा प्रिया करना ना पानी नीचे। राधा बुआ के वहाँ से तो आ गया था जोशी के साथ टहल लेते, और यहाँ इसकी बाइक में प्रॉब्लम आ गई। ये ना वैसे पता नहीं चल रहा है, टाइट है चलो नहीं हिला। चलो सजना जहाँ तक हवा, जिम्मेदारी निभून छू निभूनी छू निभूनी छ वो जरूर दिन छ। क्या है कौन सी भाषा है? हमारे वहाँ की मुहावरी ऐसी नहीं है, पता नहीं जिस जगह के पूछता उस जगह की मुहावरी ऐसी होती है, जिम्मेदारी निभाऊं छू पता नहीं कैसे। ओ भाई मम्मी प्रिया, ओ प्रिया दरवाजे को बंद करा है, इसने पता है क्या करा बेलजी ने? क्या करा? अरे बताते मेरा पैर मुड़ गया है। कैसे क्या करा इसने? हेलो क्या करा इसने? क्या करा? अरे ये ऐसा हुआ बच्चे गए बाहर को, एक तो मेरी चप्पल टूट गई, मैंने तेरी बॉल ले गए हो पहनी थी? हाँ बॉल ले गए। बॉल पता था कि उन्हें आई हुई है? हाँ मैंने ही तो बताया था, मतलब ये टूटी हुई चप्पल पहन के मैं बाहर को गई, मैं जब आई इसने बिल्ली देख ली। हाँ, हाँ। जो इसने करा मेरा पूरा पाँव मुड़ गया, मैंने जैसे इसको पकड़ा उसके बाद इसकी चेन मांग ली, जैसे हाँ। सांस फुला दी पूरा पूरे मोहल्ले वालों से, मेरे से चला नहीं जा रहा उसके बाद ऐसी हरकत है। नहीं बात कर रहा मैं, नहीं बात कर रहा, चले जाए ऐसे मुंह काला कर अपना गंदा कुत्ता, इधर 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 आ बच्चे। भाई साहब हम चल दिए दूध लेने अपने बैलजी भैया को घुमाने, आराम से चल, सही से चल भाई, इसको इतनी जल्दी हो जाती है ना घर से निकलते ही इसको हो जाती है क्या जो कर दूं मैं, दौड़ने भागने लग जाता है। आराम आराम से चल बेलजी, रुक जा कह रहा हूँ, आराम से चल। तो दोस्तों आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा नीचे कमेंट करके बताइएगा, ब्लॉग पसंद आए ना आए कमेंट करें ना करें लाइक करें ना करें, लेकिन ये तो कश्मीर फाइल्स फिल्म देखने जरूर जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।